सी सुंदर चमड़ी की जगह जब देखी तो कन्हैया ने वो सुंदर सी बंसी अपने हाथ में उठाई, श्याम ने वो सुंदर सी बंसी जब बजाई और बंसी की धुन गोपियों के कान में पड़ी। तो कोई घर में झाड़ू लगा रही थी, कोई बर्तन साफ कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही, कोई भोजन बना रही, अब बंसी की धुन जाती सुनी सब कुछ ही भूल गई, सब कुछ भूल गई।